मौसम समाचार में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आपको बता दें मौसम को लेकर अभी अभी एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही कि यूपी वेदर रिपोर्ट। सर्द हवाओं ने बढ़ाई ठंड, कई जगहों पर छाए रहेंगे बादल, होगी बारिश। तो चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश का कैसा रहेगा मौसम का हाल, किन किन जिलों में फिर छाए रहेंगे बादल और होगी बारिश। वीडियो में देंगे हम आपको पूरी जानकारी, वीडियो को एंड तक देखें। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मौसम समाचार में आपको बता दें कि यूपी समेत पूरे उत्तर भारत में बीते कुछ दिनों से तापमान में गिरावट आई है, इस वजह से अब ठंड पड़ने लगी है। वहीं आपको बता दें कि राज्य में मौसम सामान्य रहने की भी संभावना व्यक्त की गई है, जबकि मौसम विज्ञान विभाग IMD के अनुसार कुछ जगहों पर बादल छाए रहेंगे और हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। हिमालय से चलने वाली हवाओं के कारण अगले कुछ दिनों में ठंड ज्यादा बढ़ने के आसार हैं। वहीं अगर बात करें लखनऊ की, तो राजधानी लखनऊ में बीते कुछ दिनों से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। जिले में तेज हवाएं चलने की संभावना व्यक्त की गई है, इस वजह से ठंड बढ़ने के आसार हैं। वहीं आपको बता दें कि बादल छाए रहने की भी संभावना है। यहां न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। वहीं राजधानी में वायु प्रदूषण खराब श्रेणी में है। वहीं अगर बात करें वाराणसी, तो वाराणसी में अगले कुछ दिनों में ठंड बढ़ने की संभावना है। जिले में तेज हवाओं के कारण आपको बता दें कि मौसम में परिवर्तन होगा, जिसके बाद बादल छाए रहेंगे और ठंड में भी बढ़ोतरी होगी। यहां न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। हालांकि वाराणसी में वायु प्रदूषण अच्छी श्रेणी में है। वहीं अगर बात करें नोएडा की, तो दिल्ली NCR के इलाके में आपको बता दें तापमान सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस कम रहने की संभावना है। वहीं न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। नोएडा में भी आपको बता दें कि मौसम में परिवर्तन होगा, जिसके बाद घना कोहरा और बादल छाए रहेंगे। वीडियो के आखिर में आपको बता दें कि प्रयागराज में आज न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस, अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। जिले में पूरे दिन तेज हवा चलने की संभावना है, इसके वजह से मौसम बदल सकता है। इसके बाद बादल छाए रह सकते हैं और ठंड भी बढ़ने की संभावना है। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही ताजातरीन खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।